केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद सरकार के मंत्री विपक्ष अब तालमेल बैठाने में पूरी तरह से जुगत में जुट चुके हैं। इसके लिए केंद्रीय संसदीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य मंत्री प्रहलाद जोशी और साथ ही संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ शुक्रवार को यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मुलाकात की और 15 मिनट की इस मुलाकात में संसद के आगामी सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चाएं हुई। सूत्रों ने बताया कि सोनिया के आवास पर जाना विपक्ष से सही तालमेल बैठाने के लिए सरकार की कवायद का एक बड़ा हिस्सा है। प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और साथ ही लोकसभा में द्रमुक नेता टीआर बालू से भी मुलाकात की। बता दें कि 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से शुरू होकर 26 जुलाई को समाप्त होगा। इसमें सरकार का बजट 5 जुलाई को पेश होगा। इस बजट पेश करने के अलावा 3 तलाक पर प्रतिबंध सहित 10 नए अध्यादेशों को कानून में बदलने की भी योजना सरकार बना रही है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।